अंबिकापुर नगर के सरगमा पैलेस रिसोर्ट में सरगुजा एपीआई कॉन्फ्रेंस में पहुंचे काशी यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर राय ने पत्रकारों से वार्तालाप की। उन्होंने बताया कि खान पान में गड़बड़ी के कारण भारत देश में डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण छोटी उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण व्यायाम करने की व्यवस्था नहीं होना और स्ट्रेस के कारण शरीर का तंत्र बिगड़ जाना है। स्ट्रेस के कारण ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी हो रही है। डायबिटीज के कारण 15 से 20 साल पहले ही लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर ही महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे समाज की भागीदारी होगी तभी इससे बचाव हो सकता है। डॉक्टर राय ने बताया कि आज बच्चे पढ़ाई के बोझ तले खेल नहीं पा रहे। हमें पेरेंट्स और टीचर को बताना पड़ेगा कि खेलने की कितनी आवश्यकता है। रविवार को सरगुजा एपीआई कॉन्फ्रेंस में देश के विख्यात 300 चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए। इस कॉन्फ्रेंस में कई नई तकनीक और दवाइयों का भी मंथन किया गया। बहुत ही एक नई उम्मीद के साथ कि हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान बाकी देश के विख्यात डॉक्टर्स के साथ कर सके, इस उद्देश्य से ये कॉन्फ्रेंस कराया है। इसमें देश के 200 फिजिशियंस हमारे पास आए हैं, जिसमें ईस्ट इंडिया के सारे वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, रांची से सब डॉक्टर्स आए हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी नई तकनीकों के बारे में भी सीखा और हम कैसे जटिल बीमारियों से सावधान रह सकें और बच सकें इसको समझा। इसमें हमारे जो प्रमुख थे वो BHU के डायरेक्टर डॉक्टर राय साहब आए हुए हैं, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा सर आए हुए हैं जो कार्डियोवैन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अभिजीत रॉयजादा सर आए हुए हैं जो कि फास्ट एपीआई चेयरमैन हैं, डॉक्टर अरुण केड़िया साहब रायपुर से आए हुए हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग RSSDI के चेयरमैन अगले साल होने वाले हैं, डॉक्टर लखन सिंह सर जो कि अंबिकापुर जिला अस्पताल के HOD हैं, एवं डॉक्टर पंकज तेंदुलकर सर जो कि सिम्स बिलासपुर के HOD हैं। तो सब लोगों ने एक सामूहिक मंथन किया, इस पर विचार किया कि कैसे हम आगे आने वाले नई पीढ़ियों को बीमारियों से बचा सकें, कैसे लोगों को जागरूक कर सकें एवं नई तकनीकों का पालन कर सकें। जिन लोगों में से जो हमने सबसे ज़रूरी तकनीक का अभी आज अवलोकन किया, उसमें एक इंसुलिन पंप के बारे में हमने लोगों को बताया कि शुगर में जो Type 1 पेशेंट रहते हैं उनका इंसुलिन पंप कैसे बन सकता है, और अभी हम ये शोध कर रहे हैं कि जो बच्चों को इंसुलिन लगता है Type 1 डायबिटीज़ में, जिन्हें 3 से 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, तो हम इस शोध में हैं कि हम आगे आने वाले समय में सीरप बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंसुलिन की सीरप से लोगों का शुगर भविष्य में कम हो सके, ऐसी उम्मीद और ऐसी जागरूकता के साथ हम कोशिश किए हैं और कोशिश करेंगे कि हर साल यह मंथन अंबिकापुर में एक रखें, जिससे हम लोगों को नया जागरूक कर सकें और नई तकनीकों के बारे में यहाँ बता सकें। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हूँ। आपके सेमिनार के बारे में बताइएगा सर, किस प्रकार से था और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, क्या उद्देश्य? आज का ये सरगुजा के एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का मतलब एनुअल कॉन्फ्रेंस था, इसमें हम लोगों ने जो परिचर्चा की उसमें समाज में अभी जो डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, डायबिटीज की वजह से किडनी पर, लिवर पर, सब पर असर हो रहा है, और उससे हमारे समाज पर क्या इसका असर पड़ रहा है, और इसको हम लोगों ने सब कुछ बात करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और जो हम लोग लाइफस्टाइल को अपने ख़राब कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ खो रहे हैं, जो बड़ी संपत्ति हमारी है स्वास्थ्य खो रहे हैं, और इस स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाएगा, इसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया कि एक व्यक्ति से या डॉक्टर से नहीं ही होगा, ये डॉक्टर एक गाइडिंग फोर्स होंगे, लेकिन इसके साथ समाज के हर लोगों को, शिक्षक हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और जितने लोग हैं सब लोग मिल करके एक अच्छे समाज की, अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम और एक एक मानसिक तनाव से दूर रहने का व्यवस्था करें, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो हेल्दी हो, जो तो अगर हेल्दी यूथ होगा तो एक हेल्दी नेशन बनेगा, हमारे नेशन पर इकोनॉमिक बर्डन नहीं होगा, तो हम लोग एक अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये किस किन किन वर्गों में आ सकता है ये जो डायबिटीज है, और सरगुजा में एक आंकड़े की बात करें तो कितने आंकड़े होंगे ऐसे पेशेंट? देखिए, दुर्भाग्य से हम लोगों ने भी आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, हमारे यहाँ आंकड़ों पर काम होना अभी बहुत बाकी है, इस देश में आंकड़ों की बहुत कमी है, और जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, हम तो बात करते हैं तरह तरह के आंकड़े को इकट्ठा करने का, लेकिन स्वास्थ्य के आंकड़ों की बात हम कभी नहीं करते कि हमारे यहाँ कितना डायबिटीज है, बहुत छोटे छोटे आंकड़े इकट्ठा करते हैं। आप कभी जनसंख्या की तरह आपने कभी आंकड़ों की इकट्ठा की कि लोगों का हेल्थ कैसा है और कैसे क्या क्या बीमारियां हमारे यहाँ हैं जिसको हमको एड्रेस करना है,
जिस दिन हम वेलफेयर नेशन बन जाएंगे, जिस दिन हमको हर लोगों को दवा फ्री देना होगा, उस दिन आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में कितना पैसा खर्चा होगा स्वास्थ्य के लिए। अभी तक सबको अपने पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है, उस स्थिति में जिस दिन सरकार को देना पड़ेगा कितना पैसा लगेगा। अच्छा नहीं है कि हम जो है अच्छा पानी दें, अच्छा वैक्सीनेशन दें, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें जिससे कि वो स्वस्थ रहें, उनको खेलने की जगह दें, उनको मानसिक तनाव से दूर रखें, जिससे कि हमारा यूथ जब निकल के आए तो वो एक प्रोडक्टिव यूथ हो, वो बीमार यूथ ना हो और वो हेल्दी यूथ हो। हेल्थ इन माइंड एंड हेल्थ इन बॉडी दोनों चीज उनको होना जरूरी है, तभी वो समाज के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसको कैसे किया जाए। लेकिन सरकार को भी ध्यान देना चाहिए सब चीजों, सरकार को तो ही ध्यान देना चाहिए, सरकार ही तो सब कुछ करेगी, सरकार ही तो अपनी अपनी चीजों को रोड बनाने की योजनाएं हैं, पॉलिसी बन रही, रोड बनने की, ब्रिज बनने की, स्वास्थ्य बनाने की क्या पॉलिसी बन रही। स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, कैसे हम करेंगे, कैसे लोगों को स्वास्थ्य रखेंगे। स्कूल को आप जब सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उनसे कहिए कितनी चीजें उनके उसमें हो, उनके करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। आप मकान बनाने के लिए कहते हैं कि इतना सेटबैक छोड़ो, स्कूल बनाने के लिए क्यों नहीं कहते हैं कि इतना बड़ा फील्ड होना जरूरी है, उसके बगैर आप स्कूल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्यों सब लोग स्कूल खोल के बैठ जाते हैं दो दो कमरे में, क्यों बच्चे दिन भर वहां बैठे रहते हैं? क्या लगता है किसकी चूक है, किसकी गलतियां होंगी? पूरे समाज की चूक है, हम किसी एक को नहीं इसको दे सकते हैं, हम सिर्फ अपने को देखते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हम समाज को नहीं देख रहे हैं, हम अपने को देख रहे हैं। और जिस दिन अपने को देख के अपने पड़ोस को देखने लगेंगे और लोगों को देखने लगेंगे तभी कुछ होगा। और समाज में हम नेता भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, सब हमारे बीच से तो आ रहे हैं और सबको हमारी समस्याएं पता है, उसको हमको ही कवर करना पड़ेगा और अपनी समस्या खुद लेनी पड़ेगी। डॉक्टर तरुण मिश्रा, विगत 20 वर्षों से रायपुर सिटी हॉस्पिटल में डायबिटीज, थायराइड, मोटापे के सुपर स्पेशलिस्ट, इसको एंडोक्राइनलाइज के रूप में कार्यरत हूँ। मैं मूलतः अंबिकापुर का ही रहने वाला हूँ और ये ऐसा आयोजन हुआ है तो मेरा जो मतलब जो इंटरेस्ट का टॉपिक है, मैं आपको पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि इसके क्या करना चाहिए, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल मतलब जैसे मैं बच्चों के पूरे इंडिया के लेवल पे मैं बच्चों की डायबिटीज़ के लिए विशेष काम करता हूँ, तो मेरा एक स्कीम चल रहा है, मैंने एक फाउंडेशन बनाया है जिसमें हम छोटे बच्चों को बाल मधुमेह योजना के तहत गवर्नमेंट के थ्रू जो है फ्री में दवाई दिलवाते हैं। और इसी कड़ी में मैं जो है डायबिटीज़ में एक इंसुलिन पम्प होता है जिसके द्वारा जो है मरीज को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, और वो पूरे इंडिया में वो स्कीम जो है कहीं नहीं है और संभवतः जो है वो आगे आने वाले 1-2 महीने में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य बनने वाला है मेरे माध्यम से। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो जायसवाल जी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जहाँ पे छोटे बच्चों को जो है इंसुलिन पम्प, जिसकी लागत बहुत अधिक होती है और जिससे बच्चों का जीवन काफ़ी सुगम होता है, वो जो है पूरा फ्री में मिलने की संभावना है। तो मैं आप लोगों को इस माध्यम से आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँ कि आप जो है इस चीज़ को करें कि ऐसे गरीब बच्चे जो मधुमेह का शिकार हो जाते हैं उनको जो है आर्थिक लाभ जो है सर गवर्नमेंट की तरफ से मिले, जिससे उनका जीवन जो है सुगम हो और जटिलताओं से बने। ये हमारे सरगुजा अंचल के लिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जो हम लोग ये दूसरी बार इस अंचल में ऐसा आयोजन कर पा रहे हैं। और इसमें इस ये आयोजन के लिए हम लोगों को हमारे जो आसपास जितने भी चिकित्सक हैं उनको बाहर जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, इसलिए जाना पड़ता था कि अभी मेडिकल के साइंस में क्या क्या नए अपडेट हुए हैं, क्या नए रिसर्च हुए हैं। हम उसका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने मरीज को कैसे बेहतर स्वस्थ लाभ दे सकें, तो उसमें नए नए रिसर्च आते हैं, नए गाइडलाइंस आते हैं और हम कैसे अच्छे मरीजों को नए तकनीकी की वो दे सके, उसका मेन उद्देश्य के लिए हम लोग बाहर जाना। आज हमारा सौभाग्य है, आज हमारे यहाँ सरगुजा अंचल में बाहर से, बनारस से देखे हैं और बाकी रायपुर से बहुत सारे चिकित्सक दूर दूर से आए हैं और हमारे आसपास के जितने भी चिकित्सक हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं इस। और इसमें हम काफ़ी उस विषय पे, जैसे आपको इसके पहले भी हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक जो बनारस से, उन्होंने भी बताया कि हमारा उद्देश्य आज जिस तरह से एपिडेमिक के तौर पर आज कई सारी बीमारियां हैं वो फैल रही हैं, ऐसे रोका जा सके, उसमें काफ़ी चर्चा हुई। और आज के कई सारे विषय थे जिसमें हम लोग पेट के बीमारियों के बारे में भी और खून की बीमारियों के बारे में भी और हार्ट और डायबिटीज़ के बारे में तो चर्चा की।